हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को शिमला घुमाने ले चलूंगी। अभी हम पहुंच गए हैं लिफ्ट के पास वाली पार्किंग में। अब बस यहाँ से रोड क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे लिफ्ट, और लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाएंगे हम मॉल रोड। अब लिफ्ट में जाना है तो टिकट लेनी पड़ेगी। चलो तो टिकट लेते हैं, जिसका प्राइस है 10 रुपीज पर पर्सन। और देखो यहाँ पे मुझे एक मैम मिले जो मुझे बता रहे हैं कि वो मेरे सब्सक्राइबर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे आके मिलते हैं, लगता है कि कोई देख रहा है मुझे भी, मेरा काम कोई अप्रिशिएट कर रहा है। अभी हम लिफ्ट से आए हैं और लिफ्ट से ऊपर हम यहाँ पहुँचते हैं। सामने है ये इंदिरा गांधी खेल परिसर, मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली शिमला का। और यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स होती है। जब मैं छोटी होती थी मुझे याद आता है मैं यहाँ कराटे के लिए आती थी, और मुझे बैडमिंटन खेलने का भी शौक है, बट मैं इतनी अच्छी प्लेयर नहीं थी, बट कभी कभी बीच में आ जाती थी खेलने। और यहाँ से अब मॉल रोड शुरू हो गया है तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आइए। जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक रास्ता जाता है लोअर बाजार को और एक जाता है स्कैंडल पॉइंट को। बाहर तो जाना है लेकिन खुद को कोरोना से भी बचाना है। मास्क डालना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को निभाना है। और ये साइन बोर्ड्स देखो, बिल्कुल ब्रिटिशर्स के स्टाइल के। वैसे तो शिमला की आधे से ज्यादा बिल्डिंग्स ही ब्रिटिशर्स के स्टाइल की है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इतना इन्फ्लुएंस रहा था शिमला पे। अब हम लोअर बाजार तो पहुंच चुके हैं ना। यहाँ का अच्छी बात बताया गया है कि यहाँ पे कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो यूजली जैसे हम आते हैं घूमने यहाँ पे, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी आप लोगों को कि यहाँ लोअर बाज़ार से चीज़ें लेके चले जाए, क्योंकि सोवेनियर्स वगैरह इतने सारे लेने होते हैं तो कम प्राइस में ठीक मिल जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसी मार्केट है यहाँ पे। एक मॉल का राउंड लेके आई और मैं बहुत थक गई हूँ, और फाइनली यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए मैंने मास्क निकाल लिया है। मतलब थोड़े बहुत लोग हैं, एक दो से क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ मैं इसलिए बैठी हूँ कि मेरे पीछे बहुत अच्छा व्यू है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक बार ये देखें, और यहाँ से ऑलमोस्ट सारा शिमला दिख ही रहा है। तो देखो वो जो ऊपर आपको बिल्ली सी दिख रही है ना, हाँ ये है चर्च। अब देखो प्रॉपर दिख रहा है, इसमें वॉच भी लगी है। और उसी के बाजू में है ये फ्लैग हमारा, जहाँ पे रिज है। और अगर उसके भी बाजू में अगर आप देखोगे ना, ये जो छोटी सी ऐसी दिख रही है, ये एक होटल है, इसका नाम क्या था, आशियाना है इसका नाम। और इसी के साथ में अब मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखो प्रॉपरली दिख गया ना अब आपको, अच्छी जगह है ये भी बैठने के लिए, पूरा रिज दिखता है। और ये इसके साथ में जो दूसरी एक और रूफ दिख रही है ना आपको ग्रे कलर की, ये वाली एग्जैक्टली, जिसमें छोटे छोटे ऐसे एरोज जैसे है, ये जो भी है ये है गेटी थिएटर। और गेटी थिएटर के बारे में तो आए गए सब ही जानते हैं। और अब भूख भी लग रही है, तो मैंने क्या सोचा कि आज मैं आपको शिमला की बेस्ट प्लेसेस बताती हूँ कि कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। बिकॉज आप लोग इतने दूर से शिमला घूमने आते होंगे और आप लोगों को पता नहीं चलता होगा कि कहाँ पे क्या खाए, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे बेस्ट मिलती है ना, मैं आज आपको वो बताती हूँ। तो अभी जहाँ मैं बैठी हूँ ना, यहाँ के एकदम ही पास में एक बेकरी है, एम्बेसी नाम है उसका, वहाँ पे आइसक्रीम्स भी मिलती है और केक्स भी मिलते हैं। तो वहाँ के जो केक्स है और ब्रेड्स वगैरह है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो जो मेरा फेवरेट है ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो चले आ जाओ।
कोई है यहाँ पे ना, देखो हैंड रिटन ही है सब कुछ, काफी ऑथेंटिक सा वो है इनका। क्या कहते हैं, हेलो हेलो, व्हाट व्हाट यू वांट दिस, इसको मेरे साथ चल रहा है, नहीं मत तोड़ना प्लीज इसे। एप्पल आलमंड पाए, कम हियर और दिखाती हूँ मैं क्या है यहाँ पे। मुझे ये पसंद है एप्पल आलमंड पाए, ये अभी इन्होंने अच्छे से पैक करके रख लिया, आई गेस बिकॉज ऑफ द कोरोना इसको ज़्यादा सेफ रख रहे हैं। और ये नीचे यहाँ पे ब्राउनीज भी अच्छी होती है, बट आज मुझे पाए खाने का मन है। ये गरम हो रही है, सो एक्साइटेड। और ये इसी बेकरी एम्बेसी का मतलब आइसक्रीम वाला सेक्शन है। देखो अंदर खाना है तो तुम मास्क उतारना ही पड़ेगा, इसलिए बीन से ही मैं थोड़ा थोड़ा उतार रही हूँ। बाहर से जगह मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी क्योंकि न्यू सी है और जैसे गॉथिक आर्किटेक्चर है ही, आधे से ज़्यादा शिमला की बिल्डिंग्स का वैसे ही है इसका कुछ कुछ, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करती हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पे देखो टेबल पे क्या है, कॉन्टैक्टलेस मेन्यू, स्कैन मी, इसको स्कैन करते मेन्यू आ जाता है, बट एनीवेज इन्होंने फिर भी मुझे मेन्यू दे दिया था। ओ कैफे एरिगल हाउस, मैंने नाम तो पढ़ा ही था तो अब पढ़ रही हूँ मैं, तो इस जगह का नाम यही है जो इस पर लिखा था सी ये नाम। और मतलब जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं ना, ये सामने दिख जाएगा आपको, तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको भूख लग रही है लिफ्ट से ऊपर और इधर आ जाओ, बैठ जाओ, खा लो। तो मैंने यहाँ पे इन लोगों को पूछा कि आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है, तो इन्होंने कहा ज़्यादातर पिज़्ज़ाज और पास्ताज ही खाते हैं लोग यहाँ पे, तो पिज़्ज़ा तो मैं आपको कहीं और खिलाऊंगी जहाँ पे मतलब मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे, है ना। बट तो मेरे पास ऑप्शन में बचा पास्ता, तो आज मैं कौन सा खाऊं, वेज वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, जंबल सॉस, चिकन तो खैर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, चिकन का तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ वाइट सॉस पास्ता खा लेती हूँ आज, और बस इतना ही खाती हूँ क्योंकि आज इतनी सारी जगह एक्सप्लोर करनी है तो मुझे अपने पेट का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो यहाँ पर यही करती हूँ। 5 मिनट तो हो गए बैठे बैठे, 10 राधर, बट कोई ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही बैठे थे या क्या, दूसरों का ऑर्डर ले जा रहे हैं, मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा। एनीवेज मेरे पास ये भी है, उसमें फिर मैं ये भी खा सकती हूँ, ये वो है जो बॉक्स मैंने एम्बेसी से लिया था ना, एम्बेसी में वैसे सिटिंग है अंदर छोटी सी। आइए भैया, वाइट सॉस पास्ता बस, 2 की सर्विंग्स होती है उसमें या क्वांटिटी कम रहती है? काफ़ी बस ठीक है, थोड़ा स्नैकिंग करती हूँ। वाओ ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा वैसे मीठा पसंद नहीं है, बट स्टिल इसमें इतना बैलेंस सा मीठा होता है,
कि मैं क्या बताऊँ. आई कैन नॉट वेट एनी मोर. अब इतने इंतज़ार के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका है. मैं बताती हूँ आपको ये कैसा बना है. अच्छा है. अच्छी थी मैं इनकी. रुक जाओ थोड़ा और खाती हूँ, पता नहीं चल रहा है. मुझसे ना ज़्यादा गर्म खाया नहीं जाता था इसलिए. सिंपल सा है, अच्छा है. थम्स अप. चलो अब नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं. अब मैं तीसरे पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ. यहाँ का तो सबको ही पता है, यहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाओ. दिखाती भी और खाती भी हूँ, दोनों काम साथ साथ. आप अम्बाला यहाँ तक आ जाओ ना. एक प्लेट मोमोज दे दो. कितने की है? बस मोमोज है. 50 अच्छा, मुझे तो 60 लग रहा था. चलो बढ़िया है, पैसे बचेंगे. इसके अंदर क्रीम होता है बाहर चॉकलेट होती है. यहाँ पे मोमोज का बेस्ट पार्ट पता क्या है? मैं बताती हूँ खा के. बहुत गर्म है पर अभी. एक तो ना इसमें स्पाइस एकदम परफेक्ट होता है, खाने के लिए भी बहुत अच्छे है, सॉफ्ट सॉफ्ट से. और यहाँ की जो ये मेयोनीज़ है ना, काफ़ी अलग सी और मुझे अच्छी लगती है. चटनीज़ दोनों बेसिक सी जैसी होती ही है. तो अब मैं आपको खा के बताती हूँ गर्मा गर्म. रेड सॉस नहीं खाती मैं, क्योंकि मुझे बहुत तीखी लगती है ये. ग्रीन भी वैसे काफ़ी तीखी है. देखो शिमला में स्वागत हो रहा है. इसके अंदर भी वो भी है. बाहर भी वो भी, अंदर भी वो भी. अच्छा है यार. मैं ना जब से स्कूल जाती थी, कब से जाती थी, मतलब आज से 10 साल, 10 तो खैर क्या ही साल है ना, बट ये बेकरी यहाँ पे बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा. और इतना देखो इसका इतना नाम चलता है कि इसके बोर्ड पे इसका नाम भी नहीं, फिर भी ये चलता है. सबको पता है कि कृष्णा यहीं पे ही है. ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये है जाखू. और साथ ही में आपको मूर्ति दिख रही है ना, बहुत बड़ी मूर्ति है. और इसी के साथ वहीं नीचे मंदिर भी है. और यहाँ पहुँचने के लिए ना एक रोप वे भी है. ये देखो यहाँ से इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और वो परे जाके एंड पॉइंट. फिर वहाँ से ऊपर हम पैदल मंदिर को चले जाते हैं. और ये है शिमला की सबसे फेमस जगह जिसको इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, शिमला का चर्च. और किस दिन मैं आपको ये अंदर से भी दिखाऊँगी. पहुंच चुके हैं गेटी थिएटर के बाहर. और यहाँ पे भी कुछ नई शॉप्स खुल चुकी है. इन सीढ़ियों से भी वैसे एक शॉर्टकट है लोअर बाजार के लिए, बट यहाँ पे एक टाइम पे बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते थे लाहौरी पे. अब तो पता नहीं मिलते कि नहीं, बहुत पुरानी बात है. और ये देखो हमारा झंडा कितना अच्छा लग रहा है.
यहाँ पे ना अभी ऑलमोस्ट सारा फुल था, तो मुझे लगा टेरेस खाली है वहाँ बैठ जाते हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि टेरेस जैसे कि ओपन था तो वो स्मोकिंग एरिया भी था, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैं वापस से रिक्वेस्ट करके नीचे आ गई थी कि मुझे नीचे कोई टेबल दे दो, और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैं जल्दी से वेट कर रही हूँ, ये जल्दी से भेजे। हाँ कुछ नहीं, तो बस खाने का वेट कर रही हूँ मैं। It was olive and cheese. Olive and cheese. हाँ जी. He thought olive oil and herbs. No, olive and cheese. Can I have the menu, please? Yes. Coffee आ चुकी है, अब मैं आपको इसका review देती हूँ. अच्छी है. मुझे हेज़लनट पसंद है और इसमें थोड़ा सा उसका फ्लेवर है तो अच्छी लग रही है मुझे। अगर मैं जगह के बारे में बताऊँ, ये पता कैसी जगह है, यंगस्टर्स के लिए ही जगह है, दिस इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड। और यहाँ पे ऐसा ना जैसे पिज़्ज़ाज और क्या मिलता है, टोस्टीज, पास्ता, वॉफल्स, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है। ऑब्वियसली द नेम वेक एंड बेक सेज इट ऑल। और फैमिली प्लेस नहीं है ये। अच्छा है ये भी, आई लाइक इट, अगेन थम्स अप फॉर दिस। मैं ज़्यादा कुछ मेन्यू ट्राई नहीं कर पाई बिकॉज आप लोगों को पता ही है एक दिन में मैंने कितना सारा फूड रिव्यू करा, तो मेरी भी एक कैपेसिटी है खाने की। ये स्माइली दिख रहा है आपको टोस्टीज पे? जब मैं छोटी होती थी तो एक आलू बुखारा आता था, छोटा सा पैकेट होता था 1 रुपए का, तो उसमें क्या होता था, आप पैकेट को जिस भी तरफ से देखो दोनों तरफ से उसका फेस दिखता था कि हाँ इस साइड से भी उस साइड से भी। तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि इसमें भी दोनों साइड से फेस है दिख रहा होगा। देखो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि शिमला की कौन सी जगह पे कैसा कैसा खाना मिलता है, और अब मेरा काम हो चुका है इसलिए मैं भाग भाग के घर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी के मुझे कॉल आ चुका है। और आप तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बाय बाय। अरे अरे रुको रुको, अभी एक जगह तो रह गई है बट पेट में भी तो जगह नहीं है। ऐसा करती हूँ कल आपको दिखाती हूँ वो जगह। कल तो मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका था इसलिए मैं और कुछ खा नहीं सकती थी, इसलिए आज मैं फिर से आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कहाँ का पिज़्ज़ा मुझे इतना पसंद है। और वैसे भी वो पिज़्ज़ा का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो पूरा खाने के लिए मेरे पेट में जगह होना भी तो ज़रूरी था। मैं ऐसी जगह में पहुंची हूँ जहाँ पे खुली हवा आ रही है और विदाउट मास्क मैं ब्रीथ कर सकती हूँ। यहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो है और यहाँ का इंडियंस भी मुझे अच्छा लगता है, प्लस यहाँ का पिज़्ज़ा भी मुझे बहुत पसंद है। आराम से पूरा शिमला भी देखते रहो और अपना फूड भी इंजॉय करो। यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है, वो सामने विंडो खुली है, मेरा फेवरेट पिज्जा मेरे सामने है, और इतना थकने के बाद आराम से बैठ के खाने मिले, वाह फीलिंग कुछ और है। चलो अब तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं फटाफट खाने लगी हूँ,
बाय बाय, आप तब तक अपना काम करो, मैंने अपना काम कर लिया, आपको दिखा लिया सब कुछ, अब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बाय बाय, सी यू सून।